नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं डेनिस एवनर की। इस अजीब से दिखने वाले शख्स को स्टॉकिंग कैट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखने में ये किसी टाइगर जैसे दिखाई देते हैं। अब ये मर चुके हैं, लेकिन जब ये जिंदा थे तो इनके काफ़ी चर्चे थे। अपने आप को टाइगर जैसा बनाने के लिए उन्होंने जिस्म पे 14 सर्जरीज करवाई थी, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भी कामयाब हो गए थे। इनके आईब्रो, फोरहेड, नोज और लिप सर्जरी से बदल गए थे। इन्होंने पूरे जिस्म पर टैटूज बनवाए हुए थे। नाखून और दांत बिल्कुल एक टाइगर की तरह ही दिखाई देते थे। नाज़रीन अब बात करते हैं एरिक सेपरेक की। इस शख्स को लिजर्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने लिजर्ड जैसे दिखने के लिए खुद को इंसान ही नहीं रहने दिया। 22 साल पहले इन्होंने खुद को छिपकली जैसा बनाने के लिए अपनी पूरी बॉडी पर टैटूज बनवाए, जिसके लिए उन्हें तकरीबन 700 घंटे लगे थे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने दांतों को भी नुकीला बना लिया था और सर्जरी से अपने जुबान को दो हिस्सों में तकसीम करवा लिया, ताकि वो असली लिजर्ड की तरह दिख सके।